वेलकम टू माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल किडी सुनगरा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक जो आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकॉन दिया है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं जो ऑटोकैड में जो बेसिक कमांड्स है उसके बारे में। कल हमने जो पहला वीडियो था उसमें लाइन, पॉलीलाइन एंड सर्कल के बारे में सब कुछ जान लिया है। आज हम आर्क, उसके आर्क क्या है, आर्क कैसे ड्रॉ करनी चाहिए और टाइप्स ऑफ आर्क के बारे में हम बात करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आर्क है, आर्क है वो थ्री पॉइंट आर्क, स्टार्ट सेंटर एंड एंड पॉइंट, स्टार्ट सेंटर एंड एंगल, स्टार्ट सेंटर एंड लेंथ, स्टार्ट एंड एन एंगल, स्टार्ट एंड एन डायरेक्शन, स्टार्ट एंड एन रेडियस, सेंटर स्टार्ट एंड एन, सेंटर स्टार्ट एंड एंगल, सेंटर स्टार्ट लेंथ अने कंटिन्यू। एटले टाइपनी टाइप्स ऑफ लाइन्स है। ओके, फर्स्ट हम लेते हैं थ्री पॉइंट्स आर्क। ओके, तो इसमें क्या करना पड़ता है, आपको थ्री पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड लास्ट में आएगा थर्ड। तो जो ए आर्क हुई है थ्री पॉइंट सर्कल मेथड से हो गई। और सेकंड है स्टार्ट पॉइंट सेंटर एंड एंड, स्टार्ट पॉइंट सेंटर एंड एंड। ओके, उसके बाद स्टार्ट पॉइंट सेंटर एंड एंगल, स्टार्ट पॉइंट सेंटर एंगल, तो ये भी यहाँ से हो गई। ओके, उसके बाद स्टार्ट पॉइंट सेंटर एंड लेंथ, स्टार्ट पॉइंट सेंटर ने लेंथ, ओके, तो ये भी यहाँ पे हो गई। ओके, उसके बाद ऐसे ही सबको जो जो सभी लाइन्स है, जो हर एक लाइन में आप कोई भी रिक्वायरमेंट है उसे आप ले सकते। आप एक आपके पास सेंटर है और दो पॉइंट है, तो आप ऐसे दो पॉइंट को भी सिलेक्ट करके कर सकते। ओके, ऐसे कोई भी सर्कल आप आर्क बना सकते आपकी जैसी रिक्वायरमेंट। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम आते हैं रेक्टेंगल पे। ओके, तो रेक्टेंगल ऐसे दो सकते। ओके, रेक्टेंगल हो गया। अदरवाइज आप रेक्टेंगल में माप डाल सकते हैं 100 टेप 100। ओके, तो 100 बाई 100 का रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। ओके, यहाँ से दूसरा ऑप्शन है पॉलीगॉन। आपका जो नंबर ऑफ साइड्स आप 6 सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आप जो दो ऑप्शन है इंस्क्राइब इन सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्कल्स। ओके, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आप सेंटर इसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सिस एंड एन एंड एलिप्स, कोई भी एलिप आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से आप एचिंग कर सकते, आपको जितने एरिया में एचिंग बताना है आप एचिंग बता सकते। ओके, और यहाँ से आप एचिंग, यहाँ से एचिंग कंप्लीट हो गया। ओके, यहाँ से आप स्केल कर देना कि जिसे मालूम पड़े कि भाई ये सही है, इसे आप ड्रॉ कर सकते हो और एचिंग भी कर सकते। ओके, कोचिंग एचिंग के पैटर्न भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से, यहाँ से उसके ऊपर क्लिक करना है, प्री डिफाइन नहीं, यूजर डिफाइन। ओके, यहाँ से आप प्री डिफाइन ही रहने दीजिए। ओके, और इस पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे 45 का एंगल कर दीजिए।
Sneha 45. ओके, जो एजिंग है कंप्लीट हो चुका है, ऐसे आप एजिंग भी कर सकते हो। ओके, और उसके बाद आएगा मूव। मूव का कब यूज होता है? कोई भी वस्तु को आपको स्क्वायर, यहाँ पे आपको मूव करके नीचे की तरफ ले जाना, इसके ऊपर क्लिक करना। सबसे बाद में कितना मूव करना है, एक पॉइंट सिलेक्ट करना और जितना मूव करना है इतना टाइप कर देना, तो इतना मूव हो जाएगा। फिर से क्या करना, मूव पर क्लिक करना, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना, स्पेस देना और बाद में आपको 2000 डाल दिए तो नीचे आ जाए। ऐसे कोई भी वस्तु को आप मूव कर सकते हो, इसको भी आप मूव कर सकते हो। मूव कमांड कितना आपको मूव करना है ऐसे आप मूव कर सकते हो, किसी भी वस्तु को आप मूव कर सकते हो, इसको भी मूव कर सकते हो। ओके, और उसका जो मूव करने का शॉर्टकट है, आप सिलेक्ट करके एम स्पेस डायरेक्टली आप मूव कर सकते हो, किसी भी वस्तु को डायरेक्टली आप मूव कर सकते हो। और उसके बाद आता है कॉपी, तो सिलेक्ट करके आप किसी भी वस्तु को कॉपी कर सकते हैं, और यहाँ से आप कॉपी को यहाँ रख सकते हो, यहाँ ऐसे रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, ऐसे कहीं भी जो जितनी भी कॉपी है आपको जहाँ मर्जी वहाँ डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद कमांड आएगा ट्रिम। ट्रिम का नहीं, स्ट्रेच है, आप कोई भी वस्तु को स्ट्रेच कर सकते हैं। ये चौरस है, उसको भी हम थोड़ा सा बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं, स्ट्रेच करके बड़ा हो गया। वापस आपको ऐसे भी स्ट्रेच करना है इसको, तो आप ऐसे भी स्ट्रेच करके बड़ा कर सकते, किसी भी वस्तु को स्ट्रेच करके बड़ी कर सकते। ओके, उसके बाद आ गया रोटेट, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। कितना डिग्री आपको बेस पॉइंट से कितना डिग्री रोटेट, 45 डिग्री, तो रोटेट हो गया 45 डिग्री। और उसके बाद आएगा मिरर। मिरर क्या करता है, जो आपको जितना भी मिरर करना है वो सिलेक्ट करना है। ओके, अब आपको एक पॉइंट लाइन उसको देना है और एंटर देना है, तो आपका जो ई है तो अभी देख सकते हैं कि भाई जो मिरर हो गया है, जो ऑब्जेक्ट है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के मिरर हो चुके हैं। कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, इसे कोई भी वस्तु को मिरर भी कर सकते। उसके बाद स्केल, स्केल कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको स्केल कर सकते हैं, को बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है, स्केल फैक्टर 1/2, तो वो बड़ी साइज हो गई स्केल, और छोटी भी कर सकते हैं। और उसके बाद आता है ट्रिम। ट्रिम में भी दो ऑप्शन है, ट्रिम एंड एक्सटेंड, दो ऑप्शन। आप ट्रिम को सिलेक्ट करोगे तो आपको कोई भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो यहाँ से डायरेक्टली, जो भी आप सभी ऑब्जेक्ट और पास में उसको सिलेक्ट करोगे तो वो ऑब्जेक्ट निकल जाएगा, तो ऐसे किसी को भी आप निकाल सकते हो। ओके, ऐसे आप ट्रिम कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, वापस एक बार लेते हैं ट्रिम, सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसको भी सिलेक्ट करना है, जो आपको नहीं चाहिए वो सभी को सिलेक्ट करना है, जो आप रखना चाहते हो उसको मत सिलेक्ट करना है। ओके, तो ऐसे आप किसी भी वस्तु को इजीली ट्रिम कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद आएगा फिलेट, ट्रिम, और उसका दूसरा ऑप्शन एक्सटेंड। आपको कोई भी वस्तु को एक्सटेंड करना है
उसको सिलेक्ट कीजिए, तो डायरेक्टली आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो, इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो। कोई भी वस्तु को आप डायरेक्टली एक्सटेंड, और आपके पास एक दो लाइन, एक लाइन है मेरे पास और एक दूसरी भी लाइन है। अब मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, अब ये दो लाइन्स, अब मेरे को क्या करना है, ए लाइन को यहाँ तक कंप्लीट करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली शॉर्टकट है EX, EX2, जो लाइन तक जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कीजिए, स्पेस कीजिए, और जिसको एक्सटेंड करना है उसको सिलेक्ट कीजिए। आप कहीं भी कितनी भी लाइन्स हो उसको एक साथ में भी एक्सटेंड कर सकते हो, ऐसा भी आपको बता देता हूँ। एक लाइन्स है, दूसरी लाइन्स है, तीसरी लाइन, अब ये सारी लाइन्स है, ये सारी लाइन्स को ए लाइन तक मेरे को लेने का। तो सबसे पहले एक्सटेंड कमांड को ले लीजिए, यहाँ से डायरेक्टली आप एक्सटेंड पर क्लिक कीजिए, जहाँ तक करना है वो लाइन सिलेक्ट कीजिए और पास में ये लाइन सभी लाइन को सिलेक्ट कर दीजिए। ओके, EX, एक क्यों नहीं हो रहा, इसको यहाँ तक लेना है, अब एक्सटेंड करना है। आप ऐसे किसी भी लाइन को और कोई भी आइटम को आप डायरेक्टली एक्सटेंड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद आता है फिलेट। फिलेट में आप क्या कर सकते हो, दो साइड सिलेक्ट करना है। ओके, तो फिलेट और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिलेट रेडियस 10 की और दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं फिलेट हो गया है, यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलेट ही है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए, दिखाई दे रहा है फिलेट, यहाँ पे चैम्फर करके भी दिखा देता हूँ। चैम्फर दो लाइन आपको सिलेक्ट करना है, CH चैम्फर एंगल 45। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो ये चैम्फर है, दोनों बीच में यहाँ पे चैम्फर लगा दिया है और यहाँ पे रेडियस, ओके, अथवा तो फिलेट बोल सकते हैं आप। ओके, बेंड को किया भी, और उसके बाद एरे कमांड आता है। एरे का क्या इस्तेमाल क्या होता है, एरे का, अब आपने एक सर्कल दौरा और दूसरा एक सर्कल उसके ऊपर छोटा सा सर्कल दौरा, जो भी स्नैप ऑफ है यहाँ से स्नैप ऑन कर दीजिए। तो आपने दूसरा भी सर्कल दौर दिया, ऑब्जेक्ट स्नैप सेलेक्ट ऑल, ओके। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक सर्कल दौड़ दिया। अब ये सर्कल को मेरे को सभी जगह, यहाँ पे मेरे को 8 सर्कल चाहिए थे, 8 अदरवाइज 10। तो आप यहाँ से जो एरे कमांड है पोलर एरे पर क्लिक करना है, अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, ओके। अब आपको क्या करना है, सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करना है और जो आइटम है
कितनी आइटम आपको रखनी है यहाँ पे टाइप कर देना है, मेरे को 8 चाहिए तो ऑटोमेटिकली 8 कर लेगा, अदरवाइज़ मेरे इससे भी ज़्यादा चाहिए 10 चाहिए तो 10 भी आप रख सकते हैं। ओके, बाद में आपको एडजस्ट हो जाना। तो ऐसे आप जो एक सर्कल दौर के सभी जगह सर्कल, ऐसे आप लाइन को भी कर सकते हो। आपने कोई भी एक लाइन ले लिया, यहाँ सेंटर से मैंने एक लाइन ले ली। ओके, अब ये लाइन है मेरे को एरे जैसे किया है वैसे ही इसका भी करना है, एरे पे क्लिक करना है, एरे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको जो है 10 सिलेक्ट, ओके 10 अदरवाइज 20 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एग्जिस्ट हो। तो आप देख सकते हैं कि सभी जगह सभी लाइंस एक साथ आ गए और सर्कल भी कर सकते आप यहाँ से। ओके, अब आपने ऐसा सर्कल दौड़ दिया, अब ऐसे ही दूसरा भी सर्कल मेरे को एक कमांड से आप सर्कल भी दौड़ सकते। दूसरी लाइन ले लेते हैं यहाँ से, बीच में, और इसको भी हम एरे कर लेते क्या, एरे कौन एरे, अब इसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए और यहाँ से एंटी टाइप कर दीजिए और यहाँ से एग्जिस्ट। ऐसे आप कोई भी है जो प्रोडक्ट्स उसका ड्राइंग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद आता है इरेज। इरेज का क्या, जो आपको ज़रूरत नहीं है उसको इरेज कर देंगे, कर देते इरेज में कोई भी वस्तु को इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज, जो भी आपको नहीं चाहिए उसको सबको इरेज एक साथ कर सकते हैं। ओके, आप ऐसे जो अननेसेसरी से उसको इरेज भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से आप दूसरी भी एक लाइन क्रिएट किया और इसको भी मैं पोलर एरे ले लेता हूँ और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ और जो ऑब्जेक्ट है सेंटर पॉइंट सर्कल जो पोलर एरिया है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, अब सेंटर पॉइंट और यहाँ से आप वो 20 टाइप कर। ओके, अब निकल जाना है यहाँ से और वापस एक सर्कल ले लेने का। ओके, फिर से एक लाइन ले लेने का, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक की, और वापस इसको भी हम एरे देंगे। कितने रखना है उनको, 20 रखना है, ऐसे निकल जाना है और वापस कमन सर्कल ले लेना है, यहाँ तक क्लिक कर। अब जो मेरे पास अंदर वाला है ये सबको मेरे को वापस एरे कमन ले लेना है। ओके, एरे जो भी यहाँ पे सेक्शन जगह 8 रखना है, 8 में भी नहीं चलेगा, 10 रख देना है, आप 10 रख के यहाँ से एग्जिस्ट हो सकते। ऐसे आप किसी भी वस्तु को, अब ये तो एरे हो चुका है, अब मेरे को एरे को जो ए उसको मेरे को जो दूसरा है पोलर, तो अब आप को सब हम जितना करना है उसको सिलेक्ट करना है और आपको कितना एरे करना है, आपको चाहिए एक कॉलम चाहिए और दो एरे चाहिए और दो कॉलम चाहिए और दो रो। ओके, तो यहाँ से आप निकल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, देखिए हो गए,
ऐसे आप कोई भी वस्तु को एरे कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कोई भी वस्तु कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब आपको थोड़ा सा इसको मूव करना है। आप जो एरे हैं तो आप डायरेक्टली इसको मूव नहीं कर सकते, आपको क्या करना है, डबल क्लिक करके जो उसका स्पेसिंग है यहाँ से स्पेसिंग आप घटा सकते हो। ओके, यहाँ से भी घटा सकते हो, ऐसे किसी को स्पेसिंग घटा सकते हो। ओके, ऐसे आपको किसी भी स्पेसिंग घटा सकते हो, आप डायरेक्टली यहाँ से मूव नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, और इसका थोड़ा सा और भी आप डबल क्लिक करके आप यहाँ से 5,000 भी कर सकते हो, और यहाँ भी 5,000। अब आप देख सकते हैं कि एक डिज़ाइन हो चुका है, कैसी एक डिज़ाइन बन गई। और थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो उसको हम 5 पे ले लेते हैं, तो भी थोड़ा सा 6,000 पे ले लेते हैं। अब इसको भी हम 6,000 पे रख देते, तो जो एक डिज़ाइन क्रिएट हो चुका, आप ऐसी डिज़ाइन बना सकते। ओके फ्रेंड्स, आप देख भी सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में भी। ओके फ्रेंड्स, आप ऐसे कुछ भी वस्तु आप बना सकते हैं, इजीली कोई भी वस्तु बना सकते। ओके फ्रेंड्स, जो अभी तक आपने मेरे चैनल केडी सोनोग्राफ सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो बेल आइकॉन दिया है उसको क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल केडी सोनोग्राफ, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।